वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी की सीरीज़, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एंटोनियम, और हमने कल एंटोनियम के कल 12 वर्ड पढ़े थे, और आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के जितने भी एंटोनियम प्रीवियस ईयर में आए हैं उससे 12 वर्ड से आगे हम ये वर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला वर्ड है कोएक्स। क्या है? कोक्स, कोएक्स, ठीक है। तो कोएक्स का आपको बताना है एंटोनियम क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है डल। ऑप्शन आपका क्या क्या है? डल है, डल है, डेसीड्यूड है, एक्टिव है, स्पीड है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि कोएक्स क्या होता है। कोएक्स होता है मतलब किसी को बहला के फुसला के काम करवा लेना, किसी से चापलूसी से काम करवाना, किसी को फुसला के, किसी को दो चार बात लगा के हमने उससे काम करवा लिया, ठीक है। तो कोएक्स का मतलब होता है वो, ठीक है। टू परस्यूट समबडी टू डू समथिंग बाय टॉकिंग टू हिम इन ए काइंड एंड जेंटल वे, उसकी तारीफ की हमने और उससे अपना काम निकलवा लिया, ठीक है। तो देखते हैं नीचे इसका ऑप्शन। डल है, डेसीड्यू है, एक्टिव है, स्पीड है। देखो डल आपको पता होगा, डल क्या होता है, एक्टिव पता है, स्पीड पता है, और डेसीड्यू क्या होता है, डेसीड्यू देख लेते हैं क्या होता है। डेसीड्यू का मतलब होता है किसी को काम करने से रोकना, किसी को कोई भी गलत काम करने से रोकना। टू परस्यूट समबडी नॉट टू डू समथिंग मतलब किसी को हम काम करने से रोक रहे हैं, यहाँ पे हम किसी से फुसला काम करवा रहे थे और यहाँ पे हम किसी को काम करने से रोक रहे हैं। तो इसका जो अपोजिट है, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका डेसीड्यूड, ये आपका यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एरुडिट। नेक्स्ट वर्ड आपका एरुडिट, ठीक है। और इसके ऑप्शन क्या क्या हैं, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एरुडिट के ऑप्शन हैं हमारे एजुकेटेड, एजुकेटेड है, अनस्कॉलरली है, स्कॉलरली है, और पोजेसिव है, ठीक है। तो एरुडिट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो एरुडिट होता है हैविंग मतलब लर्न, आप कह सकते हो लर्न है, ठीक है, या फिर कह सकते हो हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज गेन्ड फ्रॉम एकेडमिक स्टडी। मतलब उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसने ये जो भी नॉलेज है कहाँ से गेन की, एकेडमिक स्टडी से गेन की है, ठीक है। चलिए अब इसका, इसके जो जिसका अपोजिट क्या क्या हो सकता है, ठीक है। एजुकेटेड आपको पता होगा, एजुकेटेड क्या होता है। उसके बाद देखो स्कॉलरली, पहले स्कॉलरली देख लेते हैं। स्कॉलरली होता है विद्वतापूर्ण, विद्वतापूर्ण मतलब कि जैसे पंडित टाइप होते, जैसे कि किसने मतलब किसी को एक अकेडमिक सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, बहुत सारी नॉलेज हो, ठीक है, वो होता है स्कॉलरली। और अनस्कॉलरली क्या होता है, जिसको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज ना हो, या फिर आप बोल सकते हो नॉट स्कॉलरली, ठीक है। किसी को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नॉलेज है तो स्कॉलरली है, कोई भी अकेडमिक सब्जेक्ट था उसका, ठीक है, तो उसमें उसको नॉलेज है तो स्कॉलरली हो जाएगा, और जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या हो जाएगा, अनस्कॉलरली हो जाएगा। और एरुडिट हमारा क्या है, एरुडिट होता है हमारा हैविंग शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज गेन्ड फ्रॉम एकेडमिक स्टडी। मतलब जो एरुडिट है हमारा और जो स्कॉलरली है, वो दोनों सिनोनिम है, दोनों सेम है। तो इन दोनों का अपोजिट क्या हो जाएगा, इन दोनों का अपोजिट हो जाएगा हमारा अनस्कॉलरली। क्या हो जाएगा अपोजिट हमारा, यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा हमारा अनस्कॉलरली। और पोसेसिव, पोसेसिव, पोसेसिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है मतलब जैसे हम किसी चीज़ पे अपना हक समझने लग जाते हैं, मतलब डिमांडिंग टोटल अटेंशन, जो टोटल डिमांडिंग, जो टोटल अटेंशन डिमांड करता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों को खिलौना दे दिया तो ये सोचते हैं कि बस ये खिलौना अब हमारा ही है, तो इस तरीके का वो उसको बोलते हैं पॉजिटिव हो गया, मतलब पॉजिटिव हो जाना इस तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड का देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एफ्यूलेंट। नेक्स्ट वर्ड है एफ्यूलेंट। अब एफ्यूलेंट के चार ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, देखो एक तो हाई है, एक पुअर है, एक रेयर है, एक फ्लुएंट है। अच्छा फ्लुएंट क्या होता है, आपने सुना होगा इंग्लिश स्पोकन में कि वो फ्लुएंट बोलता है, मतलब नॉन स्टॉप बोलता है, मतलब एबल टू स्पीक, ठीक है। और देखो रेयर, रेयर क्या होता है, जो कभी कभार होता है, ओफनली जो कभी कभार होता है रेयर हो जाएगा। और पुअर क्या होता है, पुअर आपको पता होगा इसके पास लिटिल मनी हो, नॉट हैविंग मनी फॉर बेसिक नीड्स, उसको बोलते हैं पुअर। और एफ्लुएंट क्या होता है, एफ्लुएंट होता है हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, इसके पास बहुत सारा धन पैसा हो, ठीक है, वेल्दी बोल सकते हो आप इसको, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट हो जाएगा हमारा। तो इसका अपोजिट यहाँ पे क्या दिखे, इसका अपोजिट मुझे एक ही वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, सिर्फ पुअर, पुअर इसका अपोजिट हमें यहाँ दिख रहा है, तो इसका हो जाएगा हमारा पुअर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रोशियल। प्रोशियल क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड देखो हमारा है प्रोकियल है, ठीक है। तो प्रोकियल के देखो हम यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए, प्रोकियल के हमारा ऑप्शन है, एक तो हमारा प्रोकियल ऑप्शन नेहरू है, ठीक है, एक हमारा इंटरनेशनल है, एक हमारा ग्लोबल है, एक हमारा वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। तो इसमें देखो वर्ल्ड वाइड क्या होता है, जो एक कंट्री से, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, बहुत सारी कंट्रियों में जो चीज़ हो, या फिर आप वर्ल्ड वाइड को बोल सकते हो अफेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड,
जैसे हमारी कोरोना पैंडेमिक है, इसने हमारे जो हमारे वर्ल्ड वाइड है, मतलब वर्ल्ड वाइड को क्या किया है, वर्ल्ड वाइड में फैली हुई से बोल सकते हो, मतलब कि अफेक्टिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के सभी भागों को इसने प्रभावित किया है। और जैसे कि हमारा ग्लोबल है, ग्लोबल पता ही होगा क्या है, वर्ल्ड वाइड बोल सकते हैं ग्लोबल को भी, ग्लोबली हर एक देश में ग्लोबली, अच्छा ग्लोबल को आप बोल सकते हो कि कवरिंग और अफेक्टिंग द ओल्ड वर्ल्ड, ऐसे बोल सकते हो ठीक है। और जैसे कि हमारा हाँ नेहरू, नेहरू आपने सुना होगा वर्ड, नेहरू का मतलब होता है बिल्कुल लिमिटेड, लिमिटेड बिल्कुल ठीक है। और अब देखो जो हमारा प्रोकियल है, प्रोकियल का मीनिंग क्या होगा, प्रोकियल को बोल सकते हो आप सीमित, सीमित मतलब देहाती, इस तरीके से बोल सकते हो, मतलब जो चीज़ एक लिमिटेड एरिया में हो, और जैसे कि जो ग्राम में, इस तरीके से बोल सकते हो। और जैसे इसको इसका मीनिंग लिखो हिंदी में, ओनली कंसर्न्ड विद स्मॉल इश्यूज दैट हैपन इन योर लोकल एरिया, ओनली कंसर्न्ड विद स्मॉल इश्यूज दैट हैपन इन योर लोकल एरिया एंड नॉट इंटरेस्टेड इन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, वो सब जगह हमारा प्रोकियल। तो प्रोकियल क्या हो सकता है, मतलब देहाती के लिमिटेड एरिया में है, तो इसका अपोजिट क्या रहेगा, ग्लोबल, जो ऑल वर्ल्ड में, जो पूरे वर्ल्ड में है, ऑल वर्ल्ड में है ठीक है, ऑल वर्ल्ड में है ठीक है। चलिए तो ठीक है, तो इसका प्रोकियल का अपोजिट हो जाएगा हमारा ग्लोबल, ये ऑप्शन थर्ड हमारा हो जाएगा ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं इसका, नेक्स्ट हमारा फैलिएबल, नेक्स्ट वर्ड हमारा फैलिबल, फैलिबल है हमारा। अच्छा इसके ऑप्शन देखो क्या है, इसके ऑप्शन है अनरिंग है, रिलीएबल है, फॉल्सहुड है, ट्रस्टफुल है। तो सबसे पहले को ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फैलिएबल है वो क्या होता है, जो हमारा फैलिएबल है वो होता है इम्परफेक्ट, फैलिएबल क्या होगा, इम्परफेक्ट, मतलब फैलिएबल होता है इम्परफेक्ट, एबल टू मेक मिस्टेक्स और बी रॉन्ग, जो मतलब गलतियाँ भी गलतियाँ रहता है, करता रहता है, वो बिल्कुल इम्परफेक्ट है, एबल टू मेक मिस्टेक्स और बी रॉन्ग, वो गलत भी हो सकता है, उस पर यकीन नहीं कर सकते, कोई कोई होता है ना, कोई कोई इंसान होता है कि हम कहते हैं कि हम इस पर यकीन नहीं कर सकते, भरोसे के लायक नहीं है, ये गलती कर भी सकता है, इसकी बातों का कोई भरोसा नहीं है, तो उसको बोलेंगे फैलिएबल। जैसे बच्चा होता है भाई, हाँ ये गलती कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है ठीक है, हमें पता है ठीक है, मतलब इसको इम्परफेक्ट बोल सकते हैं कि इम्परफेक्ट है। और देखो इसका जो अनरिंग है, वो अनरिंग क्या होता है, अनरिंग होता है जैसे कि वो कभी फेल ही नहीं हो सकता, उसका निशाना चूक ही नहीं सकता, जो कभी चूक ही नहीं सकता, अगर किसी ने अनरिंग, उसको उस पर्सन को बोलेंगे भाई इसने ये काम किया, जैसे हम बोल देते हैं ना कि इस इंसान से तो काम गलत हो ही नहीं सकता, तो उस टाइप का पर्सन होता है अनरिंग ठीक है। ऑलवेज राइट, जो ऑलवेज़ राइट हो, जो एक्यूरेट हो, या फिर इसको बोलेंगे जो अनफेलिंग हो ठीक है, तो फेल ही ना। उसके बाद देख लेते हैं हमारा वर्ड रिलायबल, वर्ड हमारा देखो रिलायबल है, रिलायबल क्या होता है, रिलायबल भी बहुत कॉमन वर्ड है, उसको बोल सकते हैं भरोसेमंद है, किस पे, जैसे रिलाई होता है ना, रिलाई भरोसा कर सकते हैं, तो रिलाई से ही याद रख लेना, रिलायबल भरोसेमंद व्यक्ति, दैट कैन बी ट्रस्टेड, भी ट्रस्ट कर सकते हैं। फॉल्सहुड क्या होता है, मतलब जो असत्य होता है, असत्यता, द स्टेट ऑफ नॉट बींग ट्रू, वो हो सकता है असत्यता। और उसके बाद एक वर्ड और होता है हमारा ट्रूथफुल, सॉरी ट्रस्टफुल है, ट्रस्टफुल, ट्रस्टफुल क्या होता है, फुल ऑफ ट्रस्ट, इसका रिलायबल, जो रिलायबल है वो ट्रस्टफुल का क्या है, सिनोनियम है, सेम है, इसका सिमिलर वर्ड है ठीक है। तो हमारा जो फैलिएबल था, फैलिएबल का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, फैलिएबल का अपोजिट हो जाएगा हमारा अनरिंग, फैलिएबल का अपोजिट होगा हमारा अनरिंग, हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा, फैलिएबल का अपोजिट अनरिंग हो जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा हमारा इम्पर्टिनेंट, 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 इम्पर्टिनेंट ठीक है। अब देखो इम्पर्टिनेंट है हमारा नेक्स्ट वर्ड, तो इम्पर्टिनेंट की अब ऑप्शन देख लेते क्या क्या है इसका, है एरोगेंस है, एरोगेंस है, अप्रोप्रिएट है, रिस्पेक्टफुल है, मोडेस्ट है। तो सबसे पहले आपको बता होना चाहिए कि जो इम्पर्टिनेंट है उसका मीनिंग क्या होता है, इम्पर्टिनेंट का मीनिंग क्या होता है ठीक है। इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है रूड, जो रूड हो और जो रिस्पेक्ट नहीं करता हो, फिर बोल सकते हो जो पोलाइट ना हो, एक तरीके से रूड है, मतलब जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, इतनी रूडली बात करता है, वो होता है इम्पर्टिनेंट ठीक है। तो जो हमारा एरोगेंस होता है, एंग्री, जैसे एंग्री होता है ना, ऐसे एरोगेंस होता है, एरोगेंस मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ बिहेविंग इन ए प्राउड, मतलब जो बिहेव दिखा रहा है, मतलब एरोगेंस बोल सकते हैं घमंडी है, घमंडी टाइप का, वो जो रिस्पेक्ट है, जो बिहेव कर रहा है उसमें भी थोड़ा घमंड है, अनप्लीजेंट वैसे दिखा रहा है ठीक है। शोइंग लिटल थॉट फॉर अदर पीपल, गर्व है, लेकिन वो गर्व है जो उसका प्राइड है, वो चीज़ के से घमंडी है, जैसे अभिमानी होता है ना,
तो वो आ जाता हमारा एरोगेंस में। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट क्या होता है, वो काफ़ी कॉमन वर्ड, एप्रोप्रिएट आपने सुना होगा, जो बोलते हैं उचित, सुटेबल, दैट इज एप्रोप्रिएट चीज। एप्रोप्रिएट मतलब कोरेक्ट, ऐसे बोल सकते हो, उचित है, कोरेक्ट है, सही है आपके लिए। रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल काफ़ी रिस्पेक्टफुल आपको पता होगा, जो फीलिंग और शोइंग रिस्पेक्ट, ठीक है। और मोडेस्ट, मोडेस्ट होता है दिखावा, दिखावा रही थी, इसको बोल सकते सदाचारी, ठीक है। अच्छा देखो, इसमें से जो आपका इम्पर्टिनेंट है, इसका अपोजिट आपको क्या रहेगा, इसका हो जाएगा रिस्पेक्टफुल, जो रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्टफुल हो जाएगा इसका, ठीक है। जो इम्पर्टिनेंट क्या था हमारा, इम्पर्टिनेंट था जो वही रूड होता है, जो रिस्पेक्ट नहीं देता, रिस्पेक्टफुल क्या हो जाएगा, जो रिस्पेक्ट देता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रफ, रफ रफ असर, देखो रफ की हमारे यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। रफ का देखो रिफाइंड है, चार्मिंग है, स्मूथ है, पोलाइट है, पोलाइट भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो रफ आपको पता होगा, रफ कैसे सरफेस होती है, थोड़ी हार्ड सरफेस होती है, थोड़ी सी जो ऊपर से स्मूथ नहीं होती, वो उसको रफ बोलते हैं, ठीक है। तो इसका रफ का तो सबको पता चल रहा है यहाँ पे, रफ का अपोजिट क्या होगा, स्मूथ, रफ का अपोजिट क्या होगा, स्मूथ, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए रिफाइंड, रिफाइंड क्या होता है, रिफाइंड बोलते हैं शुद्ध, मतलब एकदम सुधार, सुधरा हुआ रूप, निर्मल, इस तरीके से जैसे हम रिफाइंड आता है खाने वाला, उस जैसे उसका नाम रिफाइंड रखा हुआ, मतलब वो रिफाइंड दावा करता है ना कि एकदम प्योर, एकदम शुद्ध है, शुद्ध चीज़ है, उस तरीके से याद रख सकते हो। रिफाइंड मतलब प्योर, शुद्ध, उसका ऑयल को, जैसे ऑयल को सुधार के, मतलब जैसे रिफाइनरी होती है, रिफाइनरी से याद रख सकते हो। रिफाइनरी, जो रिफाइनरी होती है वो क्या करती है, और जो तेल होता है, जो भी कच्चा तेल होता है, उसको मतलब जैसे उसको शुद्ध कर देती है ना अच्छे तरीके से, अब इस तरीके से रिफाइनरी, वह रिफाइंड अलग निकाल देती है, तेल अलग कर देती है, मतलब तेल को उसका सुधार करके, तो रिफाइंड ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद चार्मिंग, चार्मिंग पता होगा, वेरी प्लेजेंट, जो अट्रैक्टिव होता है काफ़ी, और पोलाइट आपको पता ही होगा। चलिए तो इसका रफ का क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेटिफिकेशन, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेटिफिकेशन। देखो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल है, उसके बाद डिसएग्री, डिसएग्रीएबल है, और डिनाइल है, और डिस्टर्बिंग है, ठीक है। तो रेटिफिकेशन है, इसका मीनिंग क्या होता है रेटिफिकेशन का, तो रेटिफिकेशन होता है जैसे परिशोधन करना, या फिर बोल सकते हो मेकिंग समथिंग वैलिड बाय कन्फर्मिंग इट ऑफिशियली या फॉर्मली, मतलब परिशोधन कर दिया ने उसका। और जो हमारा डिसअप्रूवल होता है वो क्या होता है, किसी चीज़ की हम अस्वीकृति दे रहे हैं, ठीक है, हम स्वीकृति नहीं दी, तो अप्रूवल मतलब स्वीकृति देना, सहमति देना, और डिसअप्रूवल या सहमति देना। और जो डिसएग्रीएबल है वो क्या होता है कि हम उस बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एग्री नहीं, तो मतलब डिसएग्री उस चीज़ से, मतलब रूड है उस किसी भी बात को लेकर, उससे बात से एग्री नहीं करें, उससे बात को लेकर ना खुश हैं। और उसके बाद है डिनाइल, डिनाइल क्या होता है, डिनाई से बना डिनाइल, डिनाइल नाउन है, और जो डिनाई है वो क्या वर्ब, वर्ब है, ठीक है। डिनाई होता है मना करना, द स्टेटमेंट दैट सेज समथिंग इज नॉट ट्रू और डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और डिस्टर्ब क्या होता है, किसी को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, अपसेट करना, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारा जो रेटिफिकेशन, इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, रेटिफिकेशन का अपोजिट होगा हमारे यहाँ पे डिसअप्रूवल, इसका हो जाएगा हमारा डिसअप्रूवल, ऑप्शन वन हमारा इसका हो जाएगा। चलिए देखते हैं ओमिट, नेक्स्ट वर्ड हमारा ओमिट, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या दिया हुआ है, ओमिट करना। तो ओमिट क्या होता है, ओमिट होता है हमारा नॉट इंक्लूड, किसी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, फिर बोल सकते हैं हम लीव आउट, वो होता है ओमिट। और ओमिट का ऑप्शन देखो, एक्सक्लूड है हमारा, बाद इंक्लूड है, उसके बाद हमारा अंडरटेक है, और हमारा, और हमारा एक ऑप्शन और होगा यहाँ पे, ये रहा ऐड है, ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन ये रहा ऐड करना, तो ओमिट क्या था, छोड़ना था, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्लूड करना, ओमिट छोड़ना और इंक्लूड करना हो जाएगा, डायरेक्ट ये दिख रहा था आपको। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ही मैं तुम्हें अपने सुना होगा, ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण करना, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एकीकरण करना, ठीक है। मतलब एकीकरण किस तरीके से करेंगे आप, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स सो दैट दे मे वर्क टुगेदर। जैसे कि एक यूनिट में काम करते हैं ना, यूनाइटी में, इसको बोलते हैं एकता, मतलब सारे लोग मिलके एक जगह काम कर रहे हैं,
ठीक है, वो उस तरीके का ही, उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर थिंग्स सो दैट टुगेदर। ठीक है, हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। अब देखो इसका अपोजिट देख लेते क्या क्या है, इसके ऑप्शन देख लेते, सॉरी, यूनाइटी, यूनाइटी पता होगा, यूनिटी में काम करना, एकता में काम करना, ठीक है। सिंथेसिस, सिंथेसिस क्या होता है, मतलब एक संश्लेषण, कम्बिनेशन ऑफ आइडियाज, बिलीफ, स्टाइल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, संश्लेषण बोलते हैं। लिंकिंग क्या होता है, दो चीज़ों को लिंक करना, एक कनेक्शन, कनेक्शन करना, कनेक्शन दो या दो से अधिक लोगों के बीच, चीज़ों के बीच लिंकिंग करना, ठीक है। पता है फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, देखो आपने फ्रेगरेंस सुना होगा, फ्रेगरेंस क्या होती है, खुशबू, ठीक है। तो खुशबू से निकला, वो फ्रेगरेंस से निकला फ्रेगमेंटेशन, जैसे आपने परफ्यूम लगाया, परफ्यूम जैसे लगाने के बाद वो जो उसके पार्टिकल्स थे वो इधर उधर बिखर जाते हैं, इधर उधर उसके पार्टिकल थे वो स्कैटर हो जाते हैं, इधर उधर उसके पार्टिकल विखंडित हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, तभी तो दूर दूर तक कमरे में खुशबू फैल जाती है, खुशबू की, उसकी परफ्यूम की, ठीक है। तो फ्रेगरेंस से निकला फ्रेगमेंटेशन, और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, विखंडन करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, एकीकरण करना, और फ्रेगमेंटेशन क्या हो जाएगा हमारा, विखंडन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा अपोजिट वर्ड बन रहा है, इंटीग्रेशन का अपोजिट आ रहा है हमारा फ्रेगमेंटेशन, तो हमारा ये हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा मिनिएचर, मिनिएचर, मिनिएचर आपने सुना होगा, मिनी, मिनी क्या होता है, शॉर्ट, अति सूक्ष्म, मिनिएचर क्या हो जाएगा, अति सूक्ष्म। मिनिएचर एक एडजेक्टिव है, एक नाउन भी है, तो मिनिएचर बोलेंगे वेरी स्मॉल, ए वेरी स्मॉल पेंटिंग और मॉडल, अति सूक्ष्म, ठीक है। अब देखो इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, लार्ज दे रखा है, लार्ज विशाल होता है, स्मॉल, स्मॉल तो इसका एक सिनोनिम ही हो जाएगा, हैवी भारी, ये नहीं होगा। लिस्ट, लिस्ट क्या होता है, स्मॉलेस्ट इन साइज, अमाउंट, नंबर, डिग्री अमाउंट एक्सेट्रा, ठीक है, किसी भी चीज़ में स्मॉल हो, ठीक है। तो इसका अपोजिट यहाँ पे इसी तरह से दिख रहा है, मिनिएचर क्या होगा, अति सूक्ष्म, तो मिनिएचर का यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम इसी तरह दिख रहा है लार्ज, और ये दिख रहा है यहाँ पे, और तो कोई होगा, तो इसका हो जाएगा लार्ज हमारा, ठीक है। चलिए इसमें हमारा एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट होता है निकासी करना, निकास करना, थकाना, टू मेक समबडी फील वेरी टायर्ड, किसी को मतलब थका दिया हमने, वेयर आउट कर दिया, निकास कर दिया, निकासी कर दी, इस तरीके की। ऑप्शन क्या कहती है, देखो इस ऑप्शन है टायर्स, टायर्स क्या, थकाना, ठीक है। तो बाद में एम्पिटी, एम्पिटी ओके, नॉट फ्रेंडली, नॉट क्लोजली, अभी बोल सकते हो आप। देखो इसकी ऑप्शन देखो कितने सिंपल सिंपल, अफार है, क्लोज है, इमिनेंट, इमिनेंट है, और अलोन है। अब यहाँ पे इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंट, डिस्टेंस याद रख लो, डिस्टेंट है, ठीक है। उसका अपोजिट देखो फार है हमारा, और क्लोज है, क्लोज आपको पता होगा, तो डिस्टेंट का उसे अपोजिट यहाँ पे समय एक ही दिख रहा है मुझे, डिस्टेंस का अपोजिट क्लोज ही दिख रहा है। तो देखो अलोन आपको पता होगा, अलोन क्या होता है, फ्रॉम वन एंड अलोन है, हाँ अलोन है, चलो तो अकेला है, ठीक है। चलो तो जो हमारा इमिनेंट है वो देख लेते हैं, इमिनेंट का मतलब क्या होता है हमारा, अभी अभी जो होने वाला है, लाइकली टू हैपन, वेरी सून, जो अभी होने वाला है, तो हो जाएगा वो इमिनेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और हम करेंगे कल के वर्ड, कल करेंगे, ठीक है, बाकी के वर्ड कंटिन्यू, ठीक है। चलो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बाकी हम कल करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। इनको रिवीजन करते रहना अच्छे से,
और इन वर्डों को साथ साथ आप लिख सकते हो, जो वर्ड आपको नहीं आता वो लिख सकते हो, और जो आपको आता है उसको साथ साथ रिवीजन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।